और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है, जिसमें कि तेजस्वी को सड़क स्वास्थ्य परिवहन और नगर विकास सौंपा गया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही थी। तेज प्रताप को वन और पर्यावरण विभाग भी दिया गया। इसके अलावा जेडीयू के विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय जैसा भारी भरकम पद मिला है। तो ये देखिए, अब आज ही मंत्रियों ने 31 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब धीरे धीरे विभाग किसको क्या मिला है वो धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, जिसमें इस बार भी तेज प्रताप को नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो अब देखिए, तेजस्वी को सड़क स्वास्थ्य परिवहन और नगर विकास का, तेज प्रताप को वन और पर्यावरण विभाग मिला है। इसके अलावा जेडीयू के विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय का प्रभार मिला है, यानी वित्त गृह ये जेडीयू के पास है। तो बिहार में ये मंत्रालय का बंटवारा आज सुबह ही मंत्रियों ने शपथ ली। इसके बाद धीरे धीरे देखिए विभागों की भी जानकारी सामने आने लगी है किसको कौन सा विभाग मिला है। तेज प्रताप को वन और पर्यावरण विभाग मिला था, पिछली बार वो स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा जेडीयू के विजय चौधरी, जो कद्दावर नेता नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। तो ये देखिए, धीरे धीरे जो सभी मंत्री हैं उनके विभागों के बारे में जानकारी सामने आ रही है और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव को सड़क परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को वन और पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया है। और ये देखिए बंटवारा, इसके अलावा जेडीयू में नीतीश कुमार के काफी करीबी, उनको वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये शपथ लेने के दौरान की तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से अब ये कहा जा रहा था कि जो विभागों का बंटवारा होना था उन विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। जेडीयू के विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नीतीश के पास गृह मंत्रालय सहित 5 कुल विभाग बताए जा रहे हैं। तो ये देखिए बड़ी खबर आ रही है कि जब बात हो रही थी उस वक्त ये कहा गया था कि गृह मंत्रालय आरजेडी के पास यानी तेजस्वी के पास होना चाहिए था, लेकिन ये बात नहीं बन पाई। आखिर मंत्रिमंडल के बंटवारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही चली और आरजेडी के पाले में जो वो चाह रहे थे तेजस्वी यादव, गृह मंत्रालय, वित्त विभाग, ऐसा बड़ा मंत्रालय उनको नहीं मिला। यानी जितने बड़े मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू के पास है, चाहे वो गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है और वित्त विभाग भी जेडीयू के पास ही है। यानी यहाँ पर तेजस्वी की नहीं चली। इसके पहले भी यही कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का भी विभाग तेजस्वी को चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार उनको मनाने में कामयाब रहे। यानी तेजस्वी यादव की यहाँ पर नहीं चली, नीतीश कुमार की ही चली है। उनके बड़े भाई को भी वन विभाग का जिम्मा दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं वो ये चाह रहे थे कि उनके पास गृह मंत्रालय हो, लेकिन उनको सड़क परिवहन विभाग दिया गया है। यानी जो वो चाह रहे थे वो बड़ा पद उनको, वो मंत्रालय उनके पास आरजेडी के हाथ नहीं लगा है। जो गृह के बाद जो वित्त विभाग है वो भी बड़ा मंत्रालय है, वो भी जेडीयू ने अपने पास ही रखा है। विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसके पहले भी प्रभार वो संभाल चुके हैं, उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए तेजस्वी यादव की नहीं चली है, यहाँ पर चाचा के ही चली और चाचा अपने शर्तों के हिसाब से यहाँ पर अपने विभागों का उन्होंने बंटवारा किया। हालांकि इसके पहले काफ़ी लालू यादव से मुलाकात दिल्ली में हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, सबसे बात मुलाकात करने के बाद सहमति बनी थी, इसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ। लेकिन अब जो विभागों की तस्वीर सामने आ रही है उसको देखकर यही लगता है कि तेजस्वी यादव की नहीं चल पाई, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी इस बात पे अड़े हुए थे कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, कम से कम हमारे पास गृह मंत्रालय होना चाहिए। गृह मंत्रालय छोड़िए, वित्त विभाग भी उनको नहीं मिला और तेजस्वी यादव को सड़क स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, उनके बड़े भाई को वन पर्यावरण विभाग का मंत्रालय दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री पिछले बार भी तेज प्रताप यादव थे, इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको मिला है और तेज प्रताप यादव को वन विभाग का प्रभार मिला है, वो मंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान शपथ लिया गया इन मंत्रियों की तरफ से। कुल 31 विधायकों ने आज शपथ लिया और साथ ही साथ विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। हालांकि जिस तरीके का एक तस्वीर हमने देखी थी शुरुआती तौर पर, जब स्टेज पर तेजस्वी यादव चढ़े थे तो नीतीश कुमार के सबसे पहले उन्होंने झुक करके पैर छुए थे और उसके बाद से उन्होंने अपना सीट ग्रहण किया था। लेकिन देखिए जब विभागों के बंटवारे की बात आई तो तेजस्वी प्रकाश को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपी जा सके, उनका ये मन था, उन्होंने इस बारे में चर्चा भी की थी। लेकिन उस चर्चा को खारिज करते हुए और ये कयास जरूर जताए जा रहे थे क्योंकि उनका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा था, क्योंकि जेडीयू के पास में जिस तरीके से विधायकों की गिनती थी वो कम थी,
आरजेडी के मुकाबले, लेकिन जब विभागों के बंटवारे की बात आई तो यहाँ नीतीश कुमार ने अपना मास्टरमाइंड खेलते हुए, और अब देखिए किस तरीके से मास्टरमाइंड साबित हुए सियासत के, क्योंकि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, जबकि तेजस्वी को उम्मीद थी कि शायद ये मंत्रालय उनके हिस्से में चला जाए। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन तीन मंत्रालय उनको मिले हैं, सड़क, स्वास्थ्य और नगर विकास, ये तीन ये भी बड़े पद हैं, इनको तेजस्वी यादव को मिले थे। लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं वो जेडीयू के खाते में गए हैं, चाहे वो गृह विभाग, और मुख्यमंत्री के बारे में शुरू से रहा, जब वो मुख्यमंत्री हैं 17 साल से, गृह विभाग वो अपने पास ही रखते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन रहा हो या फिर आरजेडी के साथ। इस बार भी वही हुआ, इस बार तेजस्वी यादव शुरुआत में इस बात पर थे कि नहीं, इस बार उनको कम से कम एक बड़ा विभाग चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए, लेकिन अब जो तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है उसमें उनको गृह विभाग नहीं मिला है, वित्त विभाग भी जेडीयू ने अपने पास ही रखा है। तेज प्रताप यादव लालू के जो बड़े बेटे हैं उनको वन विभाग मिला है, तेजस्वी यादव को सड़क, स्वास्थ्य और नगर विकास का मंत्री बनाया गया है, ये तीन पद तीन विभाग तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, तेज प्रताप यादव वन पर्यावरण मंत्री बने हैं, तेजस्वी यादव सड़क, स्वास्थ्य और नगर विकास, ये तीन मंत्रालय उनके पास हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विजेंद्र यादव को ऊर्जा योजना और विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आलोक मेहता को राजस्व और भूमि सुधार का जिम्मा दिया गया है, जबकि श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा गया है। भवन निर्माण विभाग जेडीयू के खाते में आया है, जेडीयू के लिए सिंह खाद्य मंत्रालय का जिम्मा मिला है, तो ये मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है, और इसमें जो भी मंत्री जिनको जो विभाग मिला है लगातार आपको दिखा रहे हैं, विजेंद्र यादव को ऊर्जा योजना विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आपको बताया विजेंद्र यादव जेडीयू के हैं, ऊर्जा योजना और विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। आलोक मेहता आरजेडी के हैं, इनको राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार जेडीयू के काफी कद्दावर नेता है, ग्रामीण विकास विभाग मिला है। और नवजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से। नवजीत, जिस तरीके से मंत्रालय के अब सारी तस्वीर लगभग लगभग सामने हो गई, लेकिन तेजस्वी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे थे, बड़े मंत्रालय उनके हाथ नहीं आ पाए जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, जैसा लोग शुरुआत में डटे हुए थे, कम से कम गृह वित्त उनके पास कुछ बड़े मंत्रालय आने चाहिए, वो उनके हाथ नहीं लगे। देखिए, पूरा का पूरा चीज़ों को देखिएगा, जो पोर्टफोलियो बटा है, जो अभी तक कह लीजिए कि एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है या फिर लोगों तक जो पहुंचा है, अभी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो नोटिफिकेशन नहीं किया है। अच्छा। देखना होगा कि ये जो सूची है वो कितना सही है, क्या कुछ है, लेकिन जो अभी तक जो सूत्रों से जो मिल रही है या फिर सोशल मीडिया पे जो पोर्टफोलियो जो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से यदि बात कीजिएगा, तो गृह विभाग जो बातें चल रही थी गृह विभाग को लेकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे कि तेजस्वी यादव के पास जाएगी, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। सामान्य प्रशासन यानी प्रशासनिक जो अमलों का जो जिम्मेदारी होती है, चाहे पुलिस का हो या प्रशासनिक का, तो दोनों जो अहम डिपार्टमेंट है प्रशासनिक दृष्टिकोण से और पुलिस के दृष्टिकोण से, तो वो दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इसके पीछे भी वजह है, जब गृह डिपार्टमेंट है वो जब नीतीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वाकई ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हो चुका है, अब आने वाले समय में क्या इसको लेकर के जेडीयू और आरजेडी में भिड़ंत भी देखने को मिलेगी।